देन इन सम पावर ऑफ 10। अब आगे उसने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है उसके साथ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसा कि बोर्ड पे भी मैंने लिखवाया था कि द मून इज 38 करोड़ 40 लाख मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी इस फॉर्म में भी हम उसको कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। या इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसका मकसद क्या है या इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे लिए? दिस सेव्स राइटिंग डाउन आर इंटरप्टिंग लार्ज नंबर ऑफ जीरोज, यानी बहुत बड़ी जो वैल्यूज होती हैं जो कि कैलकुलेशन पर कैलकुलेटर की स्क्रीन पर भी मैनेज नहीं हो सकती या लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आसानी के साथ लिख सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपकी डेफिनेशन है जो पहले से प्रोमिनेंट हुई हुई है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10।
ये आपकी डेफिनेशन है. इसके अलावा ये एग्जांपल मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दी है. आई होप आपको ये सारा लेक्चर जो है ना वो समझ में आ गया होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे.